हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हैं। आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूथेंगे, इस पे हम नमक डालेंगे और अब ये तेल डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से गूथ लेंगे। तेल इसलिए डाले हमने मैदा पे कि ये खसखसा रहे और बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। और इसको गूंथ लेंगे। ये देख सकते हो आटा अच्छी तरह से हमने गूंथ लिया है इसको। और इसको 5 मिनट तक ऐसे अच्छे से गूंथते रहेंगे जिससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे और बेलने में बिल्कुल नॉर्मल रहे। आप देख सकते हैं आटा हमारा गूंथ गया अच्छे से। अब इसको रख देंगे। अब हम सूजी भी भूंजेंगे। ये हमने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस में और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे घी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। अब इसमें हम डालेंगे सूजी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी को जब तक भूनेंगे जब तक ये लाल लाल हो जाए, हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तब तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं सूजी हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे खोवा। ये खोवा डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये इसको अच्छी तरह से खोवा को मिक्स कर देंगे सूजी में। अब इसमें डालेंगे शक्कर। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे किशमिश। और डालेंगे किसा हुआ नारियल। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। खोवा और सूजी और ड्राई फ्रूट ये हमने डाला है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब ये बन गया है। अब हम मैदा को लोई बनाएंगे, इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और बेलेंगे पोड़ी जैसे। ये मैदे की हमने छोटी छोटी लोई बना ली है। अब इसको बेलेंगे।
ये ऐसे पूड़ी की तरह बेलेंगे। और इसको एक कागज में हमने रख दिए हैं, सारी लोई को ऐसे बेल लेंगे। पहले ये हमने बेल लिया है, अब एक इसको उठाएंगे। और ये है गुजिया वाला सांचा, और इसको उसमें ऐसे रखेंगे। और ये सूजी वाले मसाला को इस पे भरेंगे। और इसको ऐसे करके चिपका देंगे। और इसको ऐसे करके निकाल के इधर रख देंगे। ऐसे करके हम सारी गुजिया भर लेंगे, सारी गुजिया भर लेंगे। और फिर इसको तेल में सेकेंगे। ऐसे करके हम सारी गुजिया भर के फिर लास्ट में इसको सेकेंगे। अब हम गुजिया सेकेंगे। गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, ये हमारी कढ़ाई गरम हो रही है। अब तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें गुजिया डालेंगे। और ऐसे करके सारी गुजिया सेक लेंगे। अब देख सकते हैं गुजिया हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के टोकरी में रख देंगे। और ऐसे करके हम सारी गुजिया सेक लेंगे। इसको ऐसे निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है। कितनी टेस्टी और यम्मी और क्रंची लग रही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे लाल बटन दी गई होगी इस पे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। Thank you.